हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशंट इंडिया का 21st लेक्चर है एंड इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी भक्ति मूवमेंट की, अब हम बात कर रहे हैं सूफी मूवमेंट की। एंड दोस्तों, ये लेक्चर एंशंट इंडिया का लास्ट लेक्चर भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारा ये चैनल नया नया ज्वाइन किया है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि एकदम फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करवा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और दूसरा सीसेट की क्लासेस लगती हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में हमारे इस इनिशिएटिव का फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक भी है सूफी मूवमेंट के ऊपर। अब दोस्तों, इस वीडियो में भी हम पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, सूफी मूवमेंट को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। हमने इससे पहले भक्ति मूवमेंट के बारे में देखा था एंड फ्रेंड्स, भक्ति मूवमेंट के अगर हम इमरजेंस की बात करें, उसके उदय की बात करें, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि जो हिंदुइज्म था या जो ब्राह्मणिज्म था, उसमें रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। और लोग अब एक नया मोड ऑफ वर्शिप, उपासना करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे थे। अगर जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म की हम बात करें, तो उसको कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं था, ठीक है। और दूसरा, इसमें आपकी लाइफ काफ़ी टफ होती थी, आपको एक सन्यासी बन के रहना होता था, ठीक है। इसलिए लोग जो हैं एक नया एवेन्यू, न्यू मोड ऑफ वर्शिप ढूंढ रहे थे। वही कहानी सूफिज्म के साथ भी है और यहाँ पे जो रिलीजन है वो है इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस ऐसी थी जो रिचुअलिस्टिक होती थी, लोग उनसे परेशान थे, तो वो भी एक नया मोड ऑफ वर्शिप ढूंढ रहे थे। और वो नया मोड कौन सा था? सूफिज्म। और इसमें भी दोस्तों वही सेम चीज़ थी जो हमने भक्ति में देखा था, लव या फिर डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर, ठीक है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, जो भी जिस भी लॉर्ड को या जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उसको अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हम डिटेल में बात करते हैं सूफिज्म के बारे में, ठीक है। यह एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में इसको कॉइन किया गया था, ठीक है। और अगर हम इस्लामिक टेक्स्ट की बात करें, तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सूफिज्म को लेके, वो है तसव्वुफ, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ये सूफीज कौन हुआ करते थे? ये मुस्लिम मिस्टिक्स हुआ करते थे। मिस्टिक्स क्या होते हैं? जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है मिस्टिक्स, ठीक है। अब इनका ये मानना था कि जो इस्लाम रिलीजन है, वो उसमें बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है, तो हम अंदर की चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमारा फोकस लव एंड डिवोशन पे होना चाहिए, हमारा फोकस कंपेशन पे होना चाहिए। कंपेशन मींस
अगर कोई सामने वाला बंदा दुखी है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसको बोलते हैं कंपेशन। ये आपने पढ़ा होगा एथिक्स में, ठीक है। ये जो सूफी लोग होते थे, ये सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में पता करो, टॉलरेंस, ठीक है, यूनिवर्सल लव फॉर ऑल, इन सब पे ये ज़्यादा फोकस देते थे। अब दोस्तों ये सब चीज़ें कॉमन थी, हमने देखा था कि भक्ति मूवमेंट में भी ये सब हमको देखने को मिला था। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम स्ट्रिक्टली बात करता था मोनोथिज्म की, एकेश्वरवाद की, मतलब आपको केवल एक ही गॉड को आपको पूजा करनी है और वो गॉड कौन है, अल्लाह, ठीक है। एंड दोस्तों इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे कि इस्लाम में 5 पिलर्स माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को एक्सेप्ट करता है तो इन प्रिंसिपल, ये जो 5 पिलर्स हैं, ये भी उसको एक्सेप्ट करने होते हैं, जैसे कि एक ही भगवान होगा अल्लाह, ठीक है, और जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं वो उसके मैसेंजर होते हैं। आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती है, जकत, आपको लोगों को कुछ ना कुछ दान में देना होता है, रमज़ान के टाइम पे आपको पूरे महीने फास्टिंग करनी होती है, एंड फिर आपको मक्का की यात्रा करनी होती है। तो इस तरह के कुछ रिचुअल्स हैं, 5 पिलर्स इनको बोला जाता है, जो कि इस्लाम में आपको फॉलो करने होते हैं। एंड फ्रेंड्स, विद टाइम ये जो रिचुअल्स थे इस्लाम के, ये और कॉम्प्लेक्स होते गए। एंड हम देखते हैं कि 12th century आते आते पर्शिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे काफ़ी परेशान होते हैं। उस समय के जो कैलिफेट होते हैं उनमें मटीरियलिज्म काफ़ी बढ़ रहा था, ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो इससे परेशान होकर वो एक नया मोड ऑफ वर्शिप ढूंढ लेते हैं और इनको कहते थे सूफी लोग। और इनका जो नया जो मोड ऑफ वर्शिप था, ये क्या था, सूफीज़म। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये लोग क्यों परेशान थे, इन लोगों का ऐसा मानना था कि भाई जो कुरान है उसका इंटरप्रिटेशन केवल स्कॉलर्स ही क्यों करें, ठीक है, इसका हक हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। ये लोग बात करते थे पर्सनल डिवोशन टू गॉड, ठीक है, हम क्यों जो एक स्कॉलर है उसके थ्रू हम गॉड को समझें, ठीक है, ये बात करते थे पर्सनल डिवोशन की। और ये सेम चीज़ हमने देखी थी भक्ति में, इन्होंने जो रिचुअल्स थे उनको रिजेक्ट किया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, हमने देखा था भक्तिज्म में कि वो लोग भी जो हैं पोएम्स वगैरह कंपोज करते थे, लिटरेचर वगैरह कंपोज करते थे, क्यों, ताकि अपना मैसेज आप लार्जर पॉपुलेशन को पहुंचा सको। और वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत होती है सेंट्रल एशिया से, और जो फेमस सूफी थे वो कौन कौन से थे, गजली, रूमी एंड सादी, ये नाम दोस्तों आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये जो सूफी लोग होते थे इनका ये ऐसा मानना था, जैसा कि हमारे यहाँ जो नाथपंथी होते हैं, सिद्धा लोग होते हैं, या जो योगा में जो बिलीव करते हैं, उनका भी ऐसा मानना होता है कि आप अपने हार्ट को, ठीक है, एक अलग तरीके से ट्रेन कर सकते हो, जिससे आप इस संसार को एक नए वे में आप देख सकते हो। एंड दोस्तों जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो इसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो सूफी लोग होते हैं इन्होंने भी काफ़ी सारे इलेबोरेट मेथड्स जो हैं डेवलप किए, जैसे कि जिक्र। दोस्तों हमने बात की थी नाम जपना, जब हमने भक्तिज्म की बात की थी नाम जपना, उसमें वो एक ही नाम बार बार लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जिक्र, किसी चीज़ का आपको जिक्र करना है, आपको किसी नाम को चैंटिंग करनी है बार बार। सामा मीन्स सिंगिंग, रक्स मीन्स डांसिंग, इसके अलावा डिस्कशंस होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने हार्ट को अलग तरीके से ट्रेनिंग दोगे, ताकि आप चीज़ों को एक डिफरेंट डायमेंशन से देख सको। अब दोस्तों इसी के साथ जो है सूफिज्म में हमको सिलसिलास देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये सिलसिला क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ डांस में या फिर म्यूजिक में डिफरेंट घराने होते हैं, ठीक है, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो सिलसिला के साथ। इसमें क्या होंगे, जो सूफी टीचर्स होते हैं उनके ये घराने होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और हर घराने का अपना एक अलग मेथड होगा, अपना एक अलग इंस्ट्रक्शन होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, और अपनी अलग रिचुअल प्रैक्टिस होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो सूफी लोग होते हैं ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं कम्युनिटीज़ में, ठीक है, अकेले बंदे से तो बात बनेगी नहीं, आपको काफ़ी सारे लोग चाहिए, ठीक है। अब ये लोग जिस जगह पे रहते हैं उसको कहते हैं कानखा या फिर होस्पिस। दोस्तों ये दोनों वर्ड आपको याद रखने होंगे, ठीक है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब ये जो कानखा होता है इसको कौन कंट्रोल करता है, मास्टर, और उस मास्टर को बोलते हैं शेख, ये आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है।
शेख या फिर इसको पीर भी कहते हैं, इसको मुर्शीद भी कहते हैं। जो टीचर होगा, जो उस खानका का जो लीडर है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं शेख, मुर्शीद या फिर पीर। इसके अलावा क्योंकि एक कम्युनिटी है तो उसमें काफ़ी सारे डिसिपल्स भी होंगे, आपके अनुयायी भी होंगे, उनको क्या कहा जाता है, मुरीद। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुर्शीद कौन हो गया, टीचर, और डिसिपल कौन हो गया, मुरीद। फ्रेंड्स ये वही बात हो गई, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो आप लिंक करते चलिए इसको भक्ति मूवमेंट के साथ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड दोस्तों, ये जो शेख होता है, ये जो मास्टर होता है, इसका एक काम और भी होता है कि आपका सक्सेसर कौन होगा, ये उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और सक्सेसर को क्या बोलते हैं, खलीफा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रूल्स जो हैं कंडक्ट के, वो भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमने कहा था कि डिफरेंट सिलसिले होते हैं और हर सिलसिले में उनके अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब ये जो सिलसिला है, इसको हम कहते हैं चेन। इसका एक दूसरा मीनिंग है चेन। दोस्तों चेन मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल। मीन्स जो मैसेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। एंड दोस्तों यही घराना सिस्टम होता है। ठीक है, इसको आप एक चेन से लिंक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जब किसी शेख की डेथ होती है, ठीक है, तो उसकी दरगाह बनेगी, उसकी टॉम्ब बनेगी। अब ये जो टॉम्ब होती है, ये सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता है। मीन्स जो उनके फॉलोअर्स होंगे, अब वो वहाँ पे आएंगे और जो भी उनको पूजा पाठ करना है वो करेंगे। इससे क्या होता है, जो प्रैक्टिस है पिलग्रिमेज की, जो अपन तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं, और इसको कहा जाता है जियारत। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस को इंक्रेज किया जाता है। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि जो शेख है उसकी डेथ एनिवर्सरी है, या फिर उर्स, आपने अक्सर सुना होगा, तो इन पर्टिकुलर इवेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। अब दोस्तों, इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब किसी शेख की डेथ होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो जो संत है वो गॉड के साथ यूनाइटेड हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने बात की थी भक्ति मूवमेंट में या फिर हिंदुइज्म में साल्वेशन की, तो क्या आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब दोस्तों, इन इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब आपके शेख जो हैं वो गॉड के पास में हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, अब वो उनकी पूजा करते हैं, क्यों, ताकि मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट लिए जा सकें। एंड दोस्तों, इसी के साथ हमको वाली जो कल्ट है, इसका एमर्जेंस देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा वली या फिर वाली, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, वली मतलब फ्रेंड ऑफ गॉड, वो सूफी जो अल्लाह के साथ में है, जो उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, उसको कहते हैं वली। और अगर हम बात करें प्लुरल की, तो वो हो जाएगा ओलिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, जब कोई सूफी अल्लाह के पास में है, इसका मतलब अल्लाह की ग्रेस जो है वो अक्वायर कर पा रहा है। एंड ग्रेस को क्या बोलते हैं, बरकत। ठीक है, अब इस बरकत से वो कुछ मिराकल्स परफॉर्म कर सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, करामात। दोस्तों आई होप आप इन सब चीज़ों का लिंक समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको बता दिया है कि सूफिज्म क्या होता है, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उसका एमरजेंस हुआ, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे सूफी जो हैं वो इंडिया में सेटल होते हैं 11th सेंचुरी के बाद, और जब हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उसके बाद से ये जो प्रोसेस होता है ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, इसमें काफ़ी तेज़ी आती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म या फिर सूफी मूवमेंट। फ्रेंड्स, ये भी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पीर मुर्शीद। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इनका ऐसा मानना होता है कि जो इस्लामिक नॉलेज है, ठीक है, वो आप एक्सक्लूसिवली बुक्स से मत लीजिए, वो आप टीचर से आपको लर्न करनी होगी। एंड ये जो फर्स्ट पॉइंट है, उसी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, यूनियन विद गॉड, ये हम समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में। ठीक है, और इसमें भी ये लोग बात करते हैं कंपेशन की, और जब कंपेशन की बात आती है, मीन्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो लोग हैं उनकी उनकी आपको सेवा करनी है, एक टॉलरेंस की स्प्रिट होनी चाहिए। तो ये सब खास बातें होती हैं इसकी।
फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ फीचर्स और हैं, जैसे कि इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं भक्तिज्म में और ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन हैं। ये जो सूफी होते थे ये केवल असेटिक नहीं होते थे, सन्यासी नहीं होते थे, बल्कि ये वॉलंटरी पॉवर्टी की लाइफ भी ये जिया करते थे। मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से गरीब बन के रहते थे, ठीक है। इनको फकीर भी कहा जाता था। आई होप दोस्तों ये सब टर्म्स आप इनसे क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सारे इश्यूज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी आसान सा ये टॉपिक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया, ठीक है। अगर हम सिलसिला की बात करें तो सिलसिला को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज बेशरा एंड नंबर टू इज बाशरा। फ्रेंड्स, जो इस्लामिक लॉ है उसको क्या बोला जाता है? शरिया, या फिर शरीयत का कानून। अब दोस्तों इसी के बेसिस पे जो सिलसिला है उसको डिवाइड किया गया है। वो लोग जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं, जो शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं, उनको कहा गया है बाशरा। और जो लोग इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो शरिया को नहीं मानते हैं, उनको कहा गया है बेशरा। और इनका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? मस्त कलंदर, मलंग, बाबास, ये घूमते रहते हैं, वंडरिंग सेंट्स इनको कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सिलसिला है इसका मतलब क्या है? चेन, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं चेन इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सिलसिला किसी एक संत के द्वारा उसको फाउंड किया गया है तो वो कंटिन्यू किया जाएगा उसके डिसिपल, उसके शिष्य, उसके अनुयायी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे 12 सिलसिले हमको देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलसिले हैं जिसपे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उनको हम काफ़ी शॉर्ट में देख लेंगे। सबसे पहला है चिश्ती सिलसिला। दोस्तों आपने सुना होगा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काफ़ी कव्वालीज भी बनती हैं इनके ऊपर, इससे आप काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। ये जो चिश्ती ऑर्डर है इसको फाउंड किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दोस्तों ये जो चिश्त है ये एक जगह का नाम है और ये जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने अपना कानखा, जो इनका जो हाउस था, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था अजमेर में। और अभी ये एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज साइट है मुस्लिम लोगों के लिए। अब दोस्तों जहाँ तक बात है चिश्ती सिलसिला का क्या रिलेशन था स्टेट पावर के साथ, तो यूजुअली जनरली ये उससे दूर रहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके बीच में कोई इंटरलिंकिंग नहीं था, ठीक है। इन जनरल दूरी बनाए रखते थे। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा मुस्लिम रिलीजन में कि जो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो संत होते हैं, उनके सामने आपको झुकना होता है। तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी चिश्ती सिलसिला ने, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों काफ़ी सारे इनके डिसिपल्स थे, एक के बाद एक डिसिपल्स आते हैं जिनकी अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फ्रेंड्स, ये उनके डायरेक्ट डिसिपल थे। हमने देखा था सिलसिला में चेन होती है, फाउंडर होंगे, फिर उनके डिसिपल होंगे, फिर इनके डिसिपल होंगे, फिर इनके डिसिपल होंगे, तो इस तरह से ये चेन चलती जाएगी और इसी को कहा गया है सिलसिला। फ्रेंड्स, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इनके मेमोरी में, ठीक है। और बाद में जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने इस मार्बल को डेडिकेट किया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले जो इनके डिसिपल थे वो थे फरीदुद्दीन गंज शकर, इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और इनका एरिया मेनली जो पंजाब वाला रीजन था वो इनका एरिया था, ठीक है। और इनके जो सबसे फेमस डिसिपल थे वो थे शेख निजामुद्दीन ओलिया, इनका काफ़ी आपने नाम सुना होगा। एंड पंजाबी लिटरेचर के डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज शेख निजामुद्दीन ओलिया, जिनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो सबसे फेमस डिसिपल थे वो थे आमिर खुसरो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज शेख
नसरुद्दीन महमूद, जिनको चिराग ए दिल्ली या फिर लैंप ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगले डिसिपल हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया में चिश्ती कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो सिलसिला है वो आता है सुहरवाड़ी सिलसिला, जिसके फाउंडर थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावाड़ी। और ये कहाँ के थे? बगदाद के। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुहरवाड़ी सिलसिले को इस्टेब्लिश किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। एंड दोस्तों, इनको इल्तुतमिश ने टाइटल दिया था शेख उल इस्लाम। तो दोस्तों, ये कुछ टाइटल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो अपने को याद रखनी होगी। ये सुहरवाड़ी सिलसिला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने रॉयल पैट्रोनेस को एक्सेप्ट किया था, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम चिश्ती की बात करें तो वो जनरली दूर रहा करते थे। ये लोग जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उसको भी फॉलो करते थे। जो चिश्ती प्रैक्टिस थी कि आपको झुकना है, वो सब इन्होंने बंद कर दी थी, ये उसको रिजेक्ट करते थे, इसलिए सुहरवाड़ी सिलसिला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कादरिया सिलसिला, इसके फाउंडर थे अब्दुल कादिर गिलानी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दारा शिकोह ने इस सिलसिले को ज्वाइन किया था, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा हसरत मोहानी, मोहम्मद इकबाल, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हैं, वो भी इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज नक्शबंदी सिलसिला। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको इंडिया में इस्टेब्लिश किया था ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। एंड दोस्तों, ये जो सिलसिला के नाम होते हैं, ये फाउंडर के नाम पे या फिर जो लोकेशन है उसके नाम पे इनको रखा जाता है। जैसे कि चिश्ती सिलसिला, उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चिश्त वो एक जगह थी, ठीक है। नक्शबंदी, क्योंकि जो फाउंडर है उसका नाम ऐसा ही है, इसलिए ये नाम रखा गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अकबर के टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, रेडिकल है, एंड औरंगजेब जो है वो इसके वन ऑफ द फॉलोअर्स हुआ करते थे, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, अगला आता है सत्तारी सिलसिला, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो तानसेन थे, जो कि अकबर के कोर्ट में काफ़ी बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने इसको फॉलो किया था। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आता है कुब्रविया ऑर्डर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको फिरदौसिया के नाम से भी जाना जाता है, और जो ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशस वाला एरिया है, वहाँ पर भी ये पॉपुलर है, ठीक है, इसलिए इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द आजीविका सेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स सेंट्रल आइडिया वॉज दैट ह्यूमन एफर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हिज ओन कर्मा एंड अल्टीमेटली हिज ओन डेस्टिनी। फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है अपने भाग्य को डिसाइड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमने डिस्कस किया था आजीविका सेक्ट, वो क्या मानते थे कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कल क्या होने वाला ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा मेहनत मत करो, ठीक है, ये इनकी फिलोसॉफी हुआ करती थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड क्या है? फाउंडेड बाय मखल्ली घोसला। दोस्तों, ये सही बात है, हमने डिस्कस किया था। तीसरा क्या है? बाराबर केव्स दैट बिलोंग टू आजीविका सेक्ट आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब दोस्तों देखिए, क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे इन्होंने आपको ऐसे ही फालतू में घुमा दिया, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, जहाँ पे हमको कुछ पेंटिंग्स दी हुई हैं, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो दिया हुआ है, और हमको बताना है कि कौन सा पेयर सही से मैच हो रहा है। सबसे पहले कलम केरला, देन सोहरई झारखंड, एंड लास्ट वन इज पेतकर वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स देखिए, हमने पेतकर तो डिस्कस किया था, ठीक है, बाकी की दो हमने डिस्कस नहीं की थी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फ्रेंड्स, ये जो कलम जो पेंटिंग है, ये बेसिकली आपको केरला में देखने को मिलती है। जो
सोहराई है और साथ ही साथ जो खावर पेंटिंग है वो आपको झारखंड में देखने को मिलती है। एंड दोस्तों पेतकर पेंटिंग हमने देखा था, ये झारखंड वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब वाले एरिया में हमको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पैसेज हमको दिया गया है किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन के संबंध में और हमको बताना है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सी है। इट इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। फ्रेंड्स यहीं पे आपको पकड़ लेना चाहिए, हमने यही डिस्कस किया था कि जो यूनानी सिस्टम है, जो यूनानी दवाखाना है, वो इंडिया में कहाँ से आया है? ग्रीस से आया है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूनानी दवाखाना। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी हुई है, अगर आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। इसमें एक टेम्पल को हमको आइडेंटिफाई करना है, इसकी लोकेशन क्या है? तुंगभद्रा रिवर के साउदर्न बैंक पे ये लोकेटेड है। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। इसमें 56 स्टोन पिलर्स हैं जो कि म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक स्टोन चैरियट भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवीजन बार बार रिवीजन करना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विरूपक्ष टेम्पल, बी विठला टेम्पल, सी बृहदेश्वर टेम्पल। फ्रेंड्स ये तो लॉर्ड शिवा का है तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, होयसालेश्वर टेम्पल। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन बी विठला टेम्पल, और ये हमने डिस्कस किया था, हमारे नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें एक रीजनल म्यूजिक है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है। एक सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक है जो कि फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है, और ये सॉन्ग कौन लोग गाते हैं? जो पंजाब वाले एरिया में जो कैमल राइडर्स होते हैं वो इसको गाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कैमल राइडर्स, सेमी क्लासिकल। फ्रेंड्स ये बात हो रही है टप्पा की और ये हमारे नोट्स में है। कव्वाली हमने डिस्कस किया था, पांडवानी हमने डिस्कस किया था, कजरी हमने डिस्कस नहीं किया था। फ्रेंड्स कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक फोक सॉन्ग है जो कि वहाँ की वुमेन के द्वारा गाया जाता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। एंड यहाँ पर भी दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस इन इंडो तिब्बतन रीजन। जो इंडो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पे एक ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है भूटान, नेपाल, चाइना, मंगोलिया वाले एरिया में। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जाती है डायग्नोसिस करने की, पल्स एनालिसिस वगैरह। ठीक है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। और ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इस सिस्टम को नॉमिनेट किया है यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने के लिए, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोवा रिग्पा, ये आपको याद रखना होगा। एंड दोस्तों इसके बारे में सारी की सारी डिटेल मैंने इस स्लाइड में दी हुई है। एंड दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप एक बार इसको देखें और अपने नोट्स बना लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, जहां पे नाथपंथी सेक्ट इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर वन, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू योगी गोरखनाथ। फ्रेंड्स जो हमारे यूपी के सीएम हैं उनका संबंध भी इसी सेक्ट के साथ है। ठीक है, हिंदू योगी गोरखनाथ के फॉलोअर्स हैं, सही बात है। दे डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड द प्रिविलेजेस क्लेम्ड बाय द ब्राह्मणास। फ्रेंड्स ये भी सही है, वो कास्ट सिस्टम जो जाति प्रथा है उसको नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसको भी नहीं मानते हैं। द पाथ प्रीच्ड बाय देम इज रेफर्ड टू ए तंत्रा, तंत्र मंत्र आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। फ्रेंड्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें हमको तीन इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और बताना है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, तुम्बा, तरब एंड तबली। फ्रेंड्स, नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तबली मींस आप समझ सकते हैं तबला, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। फ्रेंड्स, ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, परक्यूशन है, विंड है या फिर स्ट्रिंग है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं और इनके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ पे हमको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि बोधिसत्वा, जो कि महायान बुद्धिज्म की एक सेंट्रल थीम है, वो अशोका के काल में उसका एमर्जेंस होता है। अब दोस्तों, अगर आपने सिंसियरली पढ़ा होगा तो आप इसको देखते ही काट देंगे, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय था हीनयान, उस समय महायान नहीं आया था। दूसरा क्या है कि महायान बुद्धिज्म बिलीव दैट ईच बीइंग अटेन्स सालवेशन ऑन हिज ओन, मतलब हर बंदा खुद से ही उसको मुक्ति मिलेगी, और ये किसका कहना है, महायान का। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि ये सही है कि नहीं है। फ्रेंड्स, ये गलत है। बोधिसत्वा का मतलब ही यही था कि मैं अभी सालवेशन अटेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल नॉन बोधिसत्वाज आर मेल एज महायान बुद्धिज्म डज नॉट प्रमोट द वर्शिप ऑफ फीमेल डीटीज। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। हमको फीमेल बोधिसत्वा भी देखने को मिलती हैं और उसका क्या नाम है, तारा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन। एंड फ्रेंड्स, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम आते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे हमको बेसिकली एक पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग दैट इज ड्रॉन बाय यूजिंग राइस फ्लोर, जो चावल का आटा होता है उसका यूज होता है। साउथर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। इसका उल्लेख संगम लिटरेचर में भी किया गया है, और जो मैथमेटिकल रिसर्च होती है हेक्सागोन्स की, ग्रिड्स की, उसमें भी इसका यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये कौन सी पेंटिंग है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ऑप्शन क्या दिए गए हैं, मधुबनी, दोस्तों ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बिहार साइड का है। वर्ली, ये भी हमने डिस्कस किया था, कहाँ का था ये, महाराष्ट्र का था शायद, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ए एंड डी तो नहीं होगा। अब बचते हैं दो, लिप्पन एंड कोल्लम। अब दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोल्लम। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कोल्लम जो है, ये सारे फीचर्स इसके हैं, साउथ में इसको काफ़ी एवरीडे लाइफ में इसको यूज़ किया जाता है। जो दूसरी पेंटिंग है वो है लिप्पन। फ्रेंड्स, लिप्पन मतलब लीपना, ये एक तरह की क्ले आर्ट है, जो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, स्टेट ऑफ गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके काफ़ी काम आएगी। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, और हमारी जो सीरीज़ है जो हमने शुरू की थी मॉडर्न इंडिया के साथ, उसके बाद हमने एंशियंट हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने आर्ट एंड कल्चर देखा, तो ये सीरीज़ भी हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आपको ये सीरीज़, मेरे ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो को आप लाइक करना न भूलें। कुछ मेरी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए, नंबर वन कि दोस्तों, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इसके आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे, बिना उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। दूसरा, मॉक्स ज़रूर दीजिएगा, हालांकि मैंने काफ़ी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन फिर भी मॉक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको मत छोड़िएगा। फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हम किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से या किसी दूसरी सीरीज़ के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।